जैसा कि आप जानते ही होंगे, दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। लड़कियों के जन्म के लिए एक्स क्रोमोसोम और लड़कों के जन्म के लिए वाई क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है। वैज्ञानिकों ने जेंडर तय करने के लिए वही क्रोमोसोम सेलेक्ट किया जैसे परिणाम वो चाहते थे। जैसे लड़के के लिए एक्स क्रोमोसोम, इसका पता लगाने के लिए उन्होंने डेंसिटी तकनीक का सहारा लिया। डेंसिटी तकनीक के जरिए यह पता लगा सकते हैं कि क्रोमोसोम एक्स है या वाई। एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम के मुकाबले भारी होता है। इस तरह पसंद का जेंडर तय करने के बाद उसी के मुताबिक क्रोमोसोम तय कर सकते हैं और IVF के जरिए लैब में भ्रूण को विकसित किया जा सकता है और अपनी पसंद के मुताबिक बच्चे का जेंडर तय कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।